हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स प्ले इंग्लिश पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने एक नई रिकॉर्डिंग लेके आ रहा हूँ। आज मैं आपको फायर आर्म इंजरी का टॉपिक लेके आया हूँ और इसके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। और अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग एंड से जुड़ गया था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फायर आर्म्स करवा रहा हूँ, इसके अंदर मैं आपको कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मैं करवाऊँगा। तो दोस्तों, ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। अगर मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी किसी भी चीज़ की दिक्कत ना आए, लेकिन अगर बाई चांस अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट आता है तो आप ऐप के अंदर, लाइव क्लासेस के अंदर, आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा दोस्तों अनअकैडमी के बारे में बताया, तो अनअकैडमी भाई के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप हैं। यहाँ पे दोस्तों एजुकेटर्स आपकी स्पेशल क्लासेस लेते हैं और ये जो क्लासेस होती है पूरी लाइव होती हैं। इसके अंदर ये है कि आप अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट में रहते रहते आप लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको कंप्लीट कवरेज मिलता है सिलेबस का और यहाँ पे आपको दोस्तों मॉक टेस्ट की सुविधा भी मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंटर्न्स की बात करूँ तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटी आवर्स रहता है, तो ऐसे में वो एक अपना शेड्यूल मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में इन स्टूडेंट्स के लिए भी ये प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे आप अपना खुद का टाइम टेबल बना के यहाँ पे अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, कभी भी आप आके यहाँ पे अपनी लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है और बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिस के लिए क्विजेस की सुविधा भी दी गई है। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर बाई चांस आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो भी आपको घबराने की बात नहीं है, वो आप बाद में भी आप देख सकते हैं। और अगर बाई चांस अगर आपके यहाँ कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम आता है तो आप जो है उसको ऑफलाइन देख सकते हैं, उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, फिर आप उसको जितनी बार चाहें उतनी बार आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो यहाँ पे आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, चीज़ों को भी डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके आंसर आपको तुरंत मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरेक्टिव पोल की सुविधा मिलती है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जिसके चार ऑप्शन हैं, तो वो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे और इससे क्या होगा कि आप अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट रहते रहते आप जो है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी आप कर पाएंगे एजुकेटर के सामने। तो अगर मान लीजिए मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जिसके चार ऑप्शन है, वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे, आपको बस सिंपली क्लिक करना रहेगा जो उसके करेक्ट आंसर होंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसका आंसर भी आपको तुरंत आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे जाएगा। दोस्तों अगर आप बहुत रिमोट एरिया में भी रहते तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ, लर्न एनी टाइम एनीवेयर। दोस्तों आपको करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए भी दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। तो दोस्तों अगर आप सब्सक्रिप्शन टाइम पे मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे LIVEDRM, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 4500 का। अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 11250 का। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 18000 का। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 22500 का। ऐसे दोस्तों अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड LIVEDRM, मेरा रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 27000 रुपीज़ का। तो दोस्तों अगर आप 12 मंथ के चार्जेस में अगर आप 1 मंथ के चार्जेस और ऐड कर दें तो दोस्तों ये भी बन जाता है 27000 रुपीज़। तो दोस्तों आपने देखा कि सिर्फ 1 साल के सब्सक्रिप्शन में अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन और ऐड कर दो तो आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलता है। यानी कि आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों वो पूरे 2 साल के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छा ऑफर है और मेरा रेफरल कोड यूज़ करके तो आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये 2 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो एग्ज़ाम 8 महीने बाद एग्ज़ाम है,
एग्जाम के बाद दोस्तों फिर आपको रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, रिजल्ट के बाद फिर काउंसलिंग का वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों जब तक आप अपने कॉलेज के अंदर एंट्रेंस एंटर करते हैं तो तब तक दोस्तों हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग से स्किप हो जाएं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास 2 साल का अगर सब्सक्रिप्शन रहेगा तो आप क्या होगा, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है आप उसके जो है टच में रह सकते हैं। आपका अगर कोई भी फेवरेट जो आपकी ब्रांच है, जैसे रेडियोलॉजी हो गया, मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, गाइनी ऑप्स हो गया, या ऑर्थोपेडिक हो गया, कोई भी अगर आप अपना फेवरेट ब्रांच जो आपकी होगी आप उसके भी अपने पढ़ाई के टच में रह सकते हैं अगर आपके पास 2 साल का सब्सक्रिप्शन होगा। तो दोस्तों आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आए करके, यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। अपने अंदर दोस्तों ये पॉजिटिव एनर्जी लेके रखना हमेशा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही पॉजिटिव एनर्जी आपको अपनी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आए करके, यस आई कैन क्रैक नीट पीजी। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। अगर यहाँ पे मैं कोशिश जरूर करूँगा कि आपको किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने बहुत सारी स्लाइड्स भी रखी हुई हैं हर क्वेश्चन के बाद। लेकिन दोस्तों अगर बाई चांस आपको किसी भी चीज़ का डाउट आता है तो आप ऐप के अंदर में से लाइव क्लासेस के अंदर आप में से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, आपके उसके सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसके साथ पहला क्वेश्चन लेते हैं। कॉमनेस्ट ऑर्गन टू बी इंजर्ड इन प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी इज, तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी और कॉमनेस्ट ऑर्गन। तो दोस्तों प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी के अंदर जो कॉमनेस्ट ऑर्गन जो इंजर होता है वो होता है लंग्स। तो लंग्स ए सही जवाब है, लीवर नहीं, स्प्लीन नहीं, स्किन नहीं, तो ए हो गया करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा ब्लास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो 4 टाइप के ब्लास्ट होते हैं, प्राइमरी ब्लास्ट, सेकेंडरी ब्लास्ट, टर्शरी इंजरी। इंजरी 4 टाइप के होते हैं दोस्तों, प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी, सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी, टर्शरी ब्लास्ट इंजरी और कोरोनरी ब्लास्ट इंजरी। तो दोस्तों प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसके अंदर देखा जाता है रैपिड क्रशिंग ओवर प्रेशर। तो दोस्तों क्या होता है, जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उनमें ज़्यादा डैमेज देखा जाता है। तो डैमेज टू हॉलो ऑर्गन सच एज ईयर्स, आईज, लंग्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो दोस्तों जब ब्लास्ट होता है तो हॉलो ऑर्गन इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंजर्ड होते हैं। सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी की अगर बात करें तो दोस्तों इसके अंदर जो फ्लाइंग डेब्रिज जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं बम फूटा तो उसके साथ साथ जो जो मेटल के पार्टिकल हैं या आज आस पास के जो कंकड़ वगैरह हैं वो सब उड़ के जो फ्लाइंग डेब्रिज होती हैं उसकी वजह से चोट इंजरी लगती है। तो हेल्थ इम्पैक्ट क्या क्या होगा इसके अंदर, पेपरिंग एंड ट्रायड ऑफ ब्रूज, एब्रेशन एंड पंक्चर लेसरेशन इज डायग्नोस्टिक, पेंट्रेटिंग एंड ब्लंट ट्रॉमा इंजरी, इसके अंदर ये दोनों टाइप की इंजरी होती हैं। टर्शरी ब्लास्ट इंजरी क्या होती है दोस्तों, इसके अंदर ब्लास्ट विंड, जो ब्लास्ट विंड होती है दोस्तों उसकी वजह से होता है। इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, जो विक्टिम होगा वो इस ब्लास्ट विंड जो होता है उसकी वजह से उड़ के दूर गिरेगा, और जब गिरेगा तो उसकी वजह से उसको चोट लगेगी। तो विक्टिम थ्रोन इन एयर एंड स्ट्राइक ओवर ऑब्जेक्ट लीड्स टू फ्रैक्चर एंड ब्लंट ट्रॉमा। दोस्तों कॉटनरी ब्लास्ट इंजरी क्या होता है, एनी कॉम्प्लिकेशन फैक्टर्स नॉट इन द अदर 3 कैटेगरीज, जिसके लिए क्या क्या आएगा दोस्तों, जैसे बर्न हो गया, क्रश इंजरी हो गया, हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया हो गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्वार्टनरी ब्लास्ट इंजरी के अंदर ये देखा जाता है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं। तो दोस्तों जब ब्लास्ट हुआ, ये एक्सप्लोजन हुआ दोस्तों, एक्सप्लोजन होने की वजह से क्या होगा, हेड के अंदर ईयर हो गया, लंग्स हो गया, ऑर्गन इंजरी होती है ड्यू टू ओवर प्रेशर ब्लास्ट वेव्स यूनिट टू हाई ऑर्डर एक्सप्लोजिव। यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए किसी विक्टिम के पास में बहुत तेज एक ब्लास्ट होता है तो जो प्रेशर जनरेट होती हैं उसकी वजह से उसके जो हॉलो ऑर्गन्स हैं वो इंजर कर जाते हैं। सेकेंडरी इंजरी के अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, प्रोड्यूस बाय फ्लाइंग डेब्रिस, बॉम्ब फ्रेगमेंट्स, पेंट्रेटिंग एंड ब्लंट ट्रॉमा, फ्रैक्चर एंड सॉफ्ट टिश्यू। तो दोस्तों जब ये ब्लास्ट हुआ यहाँ पे तो ये जो डेब्रिस उड़ उड़ के आई, चाहे वो बॉम्ब्स के फ्रेगमेंट्स हो या आसपास में कोई रेता कंकड़ वगैरह हो तो वो सब उड़ के हो, तो ये जो डेब्रिस उड़ के आई दोस्तों तो इन्हीं की वजह से सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी होती है। टर्शरी इंजरी क्या होती है दोस्तों, रिजल्ट फ्रॉम बींग थ्रोन बाई ब्लास्ट वेव, हेड इंजरी इंक्लूड मल्टीपल फ्रैक्चर। तो दोस्तों ये जो वेव्स निकली, तो ये जो दोस्तों ब्लास्ट की वेव्स निकली इसकी वजह से विक्टिम काफ़ी दूर उड़ के गिरेगा,
तो इसी की वजह से जब वो गिरता है तो उसी की वजह से जो है हेड इंजरी हो सकती है या फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी को बोला जाता है टर्शरी इंजरी ब्लास्ट इंजरी। क्वार्टरी क्या होता है दोस्तों? ऑल इंजरी नॉट ड्यू टू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी मैकेनिज्म। तो दोस्तों इन सब के अलावा अगर कोई चोट लगती है, इंजरी होती है, तो उससे कोई क्वार्टरी इंजरी बोला जाता है, सच एज बर्न, हेड इंजरी एंड एग्जर्सबेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। तो ये सब आपने देखा दोस्तों कि ये होती है टाइप ऑफ ब्लास्ट इंजरी। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं, कॉमनेस्ट ऑर्गन इंजरी इन प्राइमरी ब्लास्ट शॉक वेव इंजरी। तो दोस्तों क्वेश्चन जैसे पूछा गया था, कॉमनेस्ट ऑर्गन टू बी इंजर्ड इन प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी, तो इसके अंदर हम देखते हैं अगर ब्लास्ट मान लीजिए हवा में हुआ है या सरफेस पे हुआ है, तो एयर ब्लास्ट, एक्सप्लोजन इन एयर मोस्ट कॉमन टाइप होता है ये। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, जो एयर फिल्ड हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर ट्रॉमा या इंजरी होती है। क्या क्या होते हैं हॉलो ऑर्गन? जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम, ये होते हैं मोस्ट कॉमन सेंसिटिव एंड मोस्ट कॉमनली इंजर्ड। सेकेंड पे आते हैं दोस्तों लंग्स। लंग्स भी दोस्तों एक हॉलो ऑर्गन है। लंग्स इन सेकेंड मोस्ट सेंसिटिव एंड कॉमनली इंजर्ड हॉलो ऑर्गन, बट लंग्स इज द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी। डेथ में अकर्स फ्रॉम सिस्टमिक एयर एम्बोलिज्म। तो इसकी वजह से लंग्स जो है काफ़ी ज़्यादा सीवियरली डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। मिडिल ईयर एंड कॉकलिया, आइज, बॉवल, मिजेंट्री एंड ओमेंटम ऑफ ब्रेन। तो ये सारे में जो है अगर एयर ब्लास्ट हुआ है तो ये सारी चीज़ें में इंजरी दिखाई देगी। होमोलोगस सॉलिड टिश्यू एग्जाम्पल लीवर एंड मसल्स आर यूजली नॉट इफेक्टेड। दोस्तों अगर मान लीजिए अंडर वाटर ब्लास्ट हुआ है, पानी के अंदर ब्लास्ट हुआ है, तो क्या होगा दोस्तों? जो इंटेस्टाइनल जो चीज़ होती है जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, तो इन सब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंजरी होती है। लंग्स ड्यू टू प्रेशर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एब्डोमेन थ्रू डायफ्राम, तो लंग्स में भी इसके अंदर इंजरी हो सकती है। नो इंजरी ड्यू टू सेकेंडरी इम्पैक्ट, सो वेरी लिटिल एक्सटर्नल बट मैसिव इंटरनल डैमेज। तो दोस्तों एक्सटर्नली तो ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, लेकिन इंटरनली बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, चाहे वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का डैमेज हो, चाहे वो एब्डोमेन से होते डायफ्राम में जाए और डायफ्राम से वो लंग्स पे इफेक्ट करे, तो वो ये चीज कर देता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट देते हैं सॉलिड ब्लास्ट। सॉलिड ब्लास्ट होता है दोस्तों एक्सप्लोजिव एनर्जी स्प्रेड थ्रू रिजिड स्ट्रक्चर, एग्जांपल टैंक और वॉरशिप। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? स्केलेटल मोस्ट कॉमनली इफेक्ट होते हैं, मोस्टली लैंग्स, लेग्स एंड वर्टेब्रल कॉलम, और फिर उसके बाद होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और फिर लंग्स। तो ये फिर सॉलिड ब्लास्ट के अंदर ये सारी चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं बुलेट इज पिक्ड अप विद। तो दोस्तों बुलेट कैसे पिकअप की जाती है? तो दोस्तों बुलेट ट्विटर फॉर से बिल्कुल नहीं, हैंड्स के द्वारा पिक की जाती है दोस्तों, सीजर्स नहीं, निडल नहीं। तो दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों जो बुलेट होती है, एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो जो बुलेट होती है दोस्तों ये हैंड के द्वारा पिक किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो जो मार्किंग है या सेकेंडरी मार्किंग दोस्तों वो ना इफेक्ट हो जाए, इसलिए जो है ये हैंड से पिक की जाती है। तो प्रिकॉशन ड्यूरिंग रिकवरी ऑफ बुलेट, तो बुलेट शुड बी रिमूव विद बेयर फिंगर हैंड्स और रबर टिप फोर्सेप, एंड टूटेड मेटल फोर्सेप शुड नॉट बी यूज। रिकवर्ड बुलेट शुड बी ड्राइड, इट शुड नॉट बी वॉश एज इट वुड रिमूव एनी पाउडर रेसिड्यू एंड ब्लड स्टिक टू इट। साइज, काइंड ऑफ मेटल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्ट्राइटेड डिफॉर्मिटी एंड पैटर्न ऑफ वेव्स वेव्स ऑफ क्लोथ इन द नोज ऑफ बुलेट इज नोटेड। बुलेट इज ड्राइड, रैप इन पेपर एंड प्रिजर्व इन कंटेनर। तो दोस्तों कहा यह गया है कि बुलेट को जो है जब भी क्राइम सीन से रिकवर की जाएगी तो उसको हैंड से पिकअप की जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो मार्किंग होती है अगर टूटेड फोर्सेप्स से अगर उठाई जाएगी तो ये मार्किंग जो है डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, ये मार्किंग मिट सकती है। और दोस्तों बुलेट को रिकवर करने के बाद उसको कभी भी पानी से नहीं धोना है, क्योंकि दोस्तों जो ब्लड स्टेन्स होते हैं, जो ब्लड स्टेन्स होते हैं पानी से वो धुल जाएगा, तो इससे काफ़ी सारे जो एविडेंस है वो भी मिट जाने का डर लगा रहता है। तो इसलिए दोस्तों इसको हमेशा हैंड से पिकअप करें, और हैंड से पिकअप करने के बाद इसको सुखा दे, और सुखाने के बाद इसको पेपर में रैप करके कंटेनर के अंदर प्रिजर्व करके
रखते हैं। तो ये होता है सही तरीका प्रिजर्व करने का बुलेट को क्राइम सीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। गन शॉट रेसिड्यू ऑन हैंड कैन बी डिटेक्टेड बाय इट। तो दोस्तों जो गन शॉट जो रेसिड्यू है उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो फिनोप्थलीन टेस्ट नहीं, डर्मानाइट्रेट टेस्ट से दोस्तों ये हम कर सकते हैं। तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर, सी नहीं, हाइड्रोजन एक्टिवेशन एनालिसिस नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया बी, डर्मन नाइट्रेट टेस्ट। तो दोस्तों जो डर्मन नाइट्रेट टेस्ट है उसको पैराफिन टेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं। इट इज यूज अर्लियर टू डिटरमाइन इफ अ सस्पेक्ट हैज डिस्चार्ज अ फायरआर्म। द ब्लो बैक पाउडर रेसिड्यू डिपॉजिट्स ऑन द बैक ऑफ द पाम एंड वेब ऑफ द अलाइड फायरर्स हैंड वर कलेक्टेड ऑन पैराफिन कास्ट एंड टेस्टेड फॉर नाइट्रेट यूजिंग डायफिनाइल डोमेन रिएजेंट। दिस टेस्ट इज नाउ ऑब्सोलीट एज इट इज गिवन बाय कॉमन ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस एंड नॉट इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल लाइक फर्टिलाइजर सिगरेट यूरिन एसेट्रा। बेटर केमिकल टेस्ट फॉर नाइट्रेट एंड जी एस आर यानी कि एंटीमनी बेरियम कॉपर लेड एसेट्रा आर नाउ यूज टू एग्जामिन हैंड स्वाब एंड वॉशिंग। द मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटल मेथड यूज फॉर दिस पर्पज आर। तो दोस्तों इसके लिए एक निमोनिक है वो है हैंड्स। तो एक हैंड्स के बारे में अभी मैं आपको बता दूंगा, तब तक ये मैं आपको बताता हूँ क्या क्या दोस्तों डर्मन नाइट्रेट टेस्ट के अलावा और क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं आज के टाइम पे। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी विद एक्सरे एनालाइजर। तो ये सारे टेस्ट भी आजकल होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दोस्तों जो यूज़ होता है वो आजकल के टाइम पे ये यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये निमोनिक एक दे देता हूँ हैंड, ऐसे होता है हरिसन एंड गिलरॉय टेस्ट। ए से हो गया दोस्तों एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, एन से दोस्तों हो गया न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, और डी से दोस्तों हो गया डर्मल नाइट्रेट टेस्ट जिसको पैराफिन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आजकल के टाइम पे एब्सोल्यूट हो गया है, लेकिन दोस्तों अब जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ये जो यूज किया था वो दोस्तों ये है इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक विद एक्सरे एनालाइजर। तो इसको दोस्तों बोला जाता है सेमडेक्सा, सेमीडेक्सा। तो दोस्तों ये जो निमोनिक है हैंड्स, तो इसको आप याद रखिएगा हैंड्स। तो ये हो गया सेमीडेक्सा हैंड्स। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो होते हैं गन पाउडर रेसिड्यू, यही इसी कोई पैराफिन टेस्ट के मदद से हम डिटेक्ट करते हैं गन पाउडर रेसिड्यू। तो पैराफिन टेस्ट टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ डर्मल नाइट्रेट, हैरिसन एंड गिलरॉय टू डिटेक्ट मेटल रेसिड्यू एज लेड एंड बेरियम एक्सेट्रा, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, तो ये होता है दोस्तों टू डिटेक्ट मेटल रेसिड्यू, फिर होता है दोस्तों एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, ये दोस्तों लेड डिटेक्ट करने के लिए होता है। जो मैंने दोस्तों निमोनिक दिया था वो हैंड, एच ए एंड डी एस। तो दोस्तों एच से हो गया हैरिसन एंड गिलरॉय, ए से हो गया दोस्तों एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, एन से हो गया न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, और डी से हो गया डर्मल नाइट्रेट टेस्ट जिसको पैराफिन टेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। डर्मल नाइट्रेट टेस्ट इज डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन काफी ज्यादा ईजी हो गया है। तो ये दोस्तों हो गया गन पाउडर रेसिड्यू को टेस्ट करने के लिए, सेमेन स्टेन के लिए नहीं, ब्लड स्टेन के लिए, सलाइवा के लिए नहीं। तो ए हो गया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों।
स्टेलेट वुंड में बी सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री वुंड। तो दोस्तों जो स्टेलेट वुंड जो होते हैं ये कॉन्टेक्ट वुंड के अंदर देखा जाता है, तो थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। उससे पहले ये बताया था कॉन्टेक्ट वुंड के अंदर देखा जाता है, क्लोज शॉट नहीं, डिस्टेंस शॉट नहीं, टू फीट डिस्टेंस नहीं। तो ये हो गया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों कॉन्टेक्ट वुंड कैसे होता है, जब मान लीजिए बंदूक की जो बैरल होती है उसको जब एकदम ही टच करके रखते हैं तो उससे क्या होगा दोस्तों, गेट एक्यूमुलेटेड बिटवीन स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड प्रोड्यूस ब्लास्ट इफेक्ट एंड कॉज टियरिंग द स्किन, इवर्जन ऑफ एजेस एंड प्रोट्यूशन ऑफ फैट ड्यू टू टियरिंग, द शेप ऑफ वुंड मे बी ऑफ ट्रायंगुलर क्रूशेट एंड स्टार शेप। तो दोस्तों जब जो गन का जो आगे वाला पार्ट होता है मजर एंड, इसको जब टच एकदम कॉन्टेक्ट करके रखते हैं तो उससे क्या होगा दोस्तों, जो गैस होती है वो अंदर एक टाइप का ब्लास्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से स्टेलेट क्रूशेट या फिर ट्रायंगुलर शेप का वुंड अंदर आता है। तो यही है दोस्तों शेप ऑफ वुंड एंड इफेक्ट ऑफ गैस इन कॉन्टेक्ट शॉट। तो ये है दोस्तों स्टेलेट वुंड। तो कॉन्टेक्ट हैंड एंट्रेंस वुंड रिजल्ट इन स्टेलेट यानी कि स्टार शेप, क्रूसीफॉर्म, ट्राई रेडिएट, अंडरमाइंड रैग वुंड विद इवर्टेड मार्जिन फ्रॉम विच लेसरेशन रेडिएट आउट वॉल। तो दोस्तों यही है स्टेलेट वुंड, जब कॉन्टेक्ट शॉट अगर होता है तो उसके अंदर ये ऐसा स्टार शेप, तो ये ऐसा स्टार शेप वुंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। इन फायर आर्म इंजरी एंट्री वुंड ब्लैकनिंग इज ड्यू टू। तो दोस्तों फायर आर्म इंजरी के अंदर जो ब्लैकनिंग जो होती है वो किसकी वजह से होती है, फ्लेम की वजह से नहीं, हॉट गैसेस की नहीं, स्मोक्स की वजह से दोस्तों होता है, अनबर्न कॉटन नहीं। तो दोस्तों सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो जो दोस्तों जो ब्लैकनिंग होती है, दोस्तों जो ब्लैकनिंग होती है वो स्मोक की वजह से होती है। तो द ब्लैकनिंग ऑफ एंट्री वुंड इज ड्यू टू फाइन कार्बन पार्टिकल इन स्मोक। तो दोस्तों देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ फायर आर्म इंजरी ऑन एंट्री वुंड। तो दोस्तों जो टैटूइंग होती है, टैटूइंग देखी जाती है दोस्तों अनबर्न और पार्शली बर्न गन पाउडर की वजह से। ब्लैकनिंग जो होती है दोस्तों जैसे मैंने बताया स्मोक की वजह से। स्क्रॉचिंग दोस्तों होती है हीट की वजह से। बर्निंग या फिर सिंजिंग ऑफ एयर ये होता है दोस्तों फायर की वजह से। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, इससे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा गया था ब्लैकनिंग किसकी वजह से होता है, तो वो स्मोक की वजह से दोस्तों ब्लैकनिंग होती है। तो ये रहा दोस्तों जो स्मोक होता है दोस्तों, इसकी वजह से मैंने आपको बताया कि इससे ब्लैकनिंग होती है। फायर की वजह से दोस्तों सिंजिंग होता है, सिंजिंग ऑफ हेयर्स। सिंजिंग ऑफ हेयर्स। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि जो गन पाउडर जो पार्टिकल्स होते हैं अनबर्न पाउडर, उससे दोस्तों टैटूइंग होता है, इससे दोस्तों टैटूइंग होता है। तो दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, जब बुलेट अंदर ये बैरल से जब बाहर निकलती है तो बैरल के अंदर लुब्रिकेंट पार्टिकल्स होते हैं जैसे ग्रीस वगैरह होता है, तो उससे दोस्तों ग्रीस कॉलर भी बनता है। और क्या कहते हैं ये मैं आगे बता दूंगा मैं, ग्रीस और एब्रेशन कॉलर बनते हैं जब बुलेट अंदर किसी विक्टिम के अंदर जाती है। तो दोस्तों हमने देखा ब्लैकनिंग, सिंजिंग, टैटूइंग, ये सारी चीज़ें हमने देखा। तो जब जो बुलेट है, बुलेट जब विक्टिम के अंदर जब जाती है तो एंट्री कैसी होती है, तो ये होता है एंट्री वुंड, यहाँ से बुलेट गई अंदर। तो जो दोस्तों इसके आजू बाजू जो ये पहला जो ये जो सर्कल बना ये होता है दोस्तों ग्रीस कॉलर का। ग्रीस कॉलर का इसलिए होता है जो बंदूक की बैरल होती है बैरल के अंदर लुब्रिकेंट टाइप का कुछ लगाया था ताकि ग्रीसी प्रोडक्ट लगाया था ताकि जो बुलेट है वो आसानी से बाहर आ सके। तो इसलिए ग्रीस कॉलर बनता है। फिर उसके बाद बनता है दोस्तों एब्रेशन कॉलर, क्योंकि दोस्तों स्पिनिंग मूवमेंट रहता है, स्पिनिंग मूवमेंट के दौरान जब अंदर जाती है तो ये एक तरीके का एब्रेशन
क्रिएट करता है, तो इसलिए एब्रेशन कॉलर भी बनता है। फिर दोस्तों होता है टैटूइंग, टैटूइंग होता है दोस्तों अनबर्न गन पाउडर की वजह से, अनबर्न गन पाउडर की वजह से, और फिर दोस्तों स्मोक की वजह से होता है ब्लैकनिंग। तो दोस्तों ये ऐसा होता है पूरा एंट्री वुंड फायर आर्म के अंदर। इफेक्ट्स प्रोड्यूस ओवर बॉडी बाय द कंपोनेंट इमर्ज फ्रॉम द मजल एंड ऑफ द फायर आर्म, ये फिगर इसका है। तो दोस्तों अब एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एंट्री वुंड दोस्तों कैसी होती है, साइज कैसा रहेगा उसका, होगा दोस्तों स्मॉलर देन बुलेट डायमीटर, तो एंट्री होगी दोस्तों स्मॉलर रहेगी एंट्री वुंड व्हेन नियर, लार्जर व्हेन डिस्टेंट, स्मॉलर रहेगा जब पास से करा जाएगा, दूरी से अगर किया जाएगा तो लार्जर रहेगा साइज। एग्जिट वुंड में कैसा रहेगा दोस्तों, लार्जर रहेगा जब नियर से करा गया है और जब दूर से किया गया है तो स्मॉलर रहेगा। मार्जिन रहते हैं दोस्तों इन्वर्टेड एंट्री वुंड के अंदर, एग्जिट वुंड के अंदर दोस्तों होते हैं इन्वर्टेड। इसको दोस्तों आप ऐसे क्या कहते हैं, ये भी याद कर सकते हैं कि इसके अंदर टॉर्न भी रहते हैं मार्जिन। प्रोट्यूशन ऑफ फैट यहाँ पे एबसेंट रहेगा लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। हेमरेज यहाँ पे लेस रहेगा लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हेमरेज रहेगा। स्कल बोन दोस्तों यहाँ पे रहेगी स्मूथ एज लेकिन यहाँ पे होती है बिवेल्ड एज। बिवेल्ड के बारे में मैं आगे बता दूंगा, मैंने क्वेश्चंस रखे हुए हैं उसके आगे। तो दोस्तों सिंजिंग, ब्लैकनिंग, बर्निंग टैटू, एब्रेडेड या फिर कंट्यूज या फिर ग्रीस कॉलर, ये सारी चीज़ें देखी जाती है दोस्तों एंट्री वुंड के अंदर, एग्जिट वुंड के अंदर ये सारी चीज़ें देखी नहीं जाती हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रीस कॉलर इज सीन विद। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रीस कॉलर देखा जाता है फायर आर्म एंट्री वुंड के अंदर, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। फायर आर्म एग्जिट के अंदर नहीं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर नहीं, हैंगिंग के अंदर नहीं। तो ग्रीस कॉलर ये मान लीजिए जब ये बंदूक है दोस्तों, तो जब यहाँ से बंदूक की गोली निकली बाहर, तो यही जो है ग्रीस कॉलर बनाता है क्योंकि इसके अंदर थोड़े से ग्रीसी पार्टिकल्स होते हैं और यही ग्रीस के पार्टिकल बुलेट के ऊपर लग जाते हैं। और जब एंट्री वुंड के टाइम पे जब बुलेट जब स्ट्राइक करती है स्किन से, तो सारा का सारा जो ग्रीस होता है वो बाहर के सरफेस पे एक्युमुलेट हो जाता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, इस पे जो ग्रीस होता है बुलेट के जो सराउंडिंग होता है उस पर ग्रीस लग जाता है, उसी वजह से ग्रीस कॉलर बनता है। लेकिन दोस्तों जो स्पिनिंग मूवमेंट होता है, स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ बुलेट वाइल पेनिट्रेटिंग स्किन कॉज फ्रिक्शन ड्यू टू विच एब्रेशन कॉलर इज प्रोड्यूस। तो दोस्तों जो स्पिनिंग मूवमेंट है उसकी वजह से दोस्तों एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और उस फ्रिक्शन की वजह से एब्रेशन कॉलर बनता है एंट्री वुंड के इर्द गिर्द। तो दोस्तों ये जो फिगर है ये दिखा रहा है एब्रेशन ग्रीस कॉलर का फिगर है। पहला दिखा रहा है दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ प्रोग्रेशन प्रोडक्शन ऑफ एब्रेशन कॉलर, और दोस्तों दूसरा मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कॉलर। द बैरल ऑफ आयरन इज यूजली लुब्रिकेटेड। तो दोस्तों जो बैरल होती है वो लुब्रिकेटेड रहती है। व्हेन सच लुब्रिकेटेड वेपन इज फायर्ड द बुलेट कैरी द लुब्रिकेंट बाय ट्रेवलिंग थ्रू द बैरल वेल एंटरिंग द बॉडी द लुब्रिकेंट, यानी कि जो ग्रीस वगैरह होते हैं लुब्रिकेंट जो लुब्रिकेशन के लिए जो लगाया गया होता है बैरल के अंदर, वो सारी चीज़ें वेल एंटरिंग द बॉडी द लुब्रिकेंट ओवर द बुलेट गेट डिपॉजिटेड ऑन द स्किन अराउंड द एंट्री वुंड। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द बुलेट वायर परफॉर्मिंग द स्किन कॉजेज वाइपिंग द लुब्रिकेंट फ्रॉम इट सरफेस। तो दोस्तों यही चीज़ मैंने आपको बताई। तो जो ग्रीस है वो एंट्री के टाइम पे जो है ऊपर एक्युमुलेट कर देता है। द लुब्रिकेंट और डर्ट पार्टिकल डेट गेट डिपॉजिटेड अराउंड द एंट्री वुंड इज कॉल्ड ग्रीस कॉलर और डर्ट कॉलम। इसी को दोस्तों ग्रीस कॉलर का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ब्लैक गन पाउडर मेड ऑफ। तो दोस्तों ब्लैक गन पाउडर जो होता है वो बना होता है दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट से। तो दोस्तों बना होता है पोटेशियम नाइट्रेट से, चारकोल से भी बना होता है और सल्फर पाउडर से भी बना होता है। सेल्युलोज नाइट्रेट नहीं, बेरियम सल्फेट नहीं। तो दोस्तों जो ब्लैक गन पाउडर है वो ए बी और सी, यानी पोटेशियम नाइट्रेट,
चारकोल और सल्फर पाउडर इन सबसे बना होता है, तो ये तीन हो गए इसके आंसर। कंसिस्टेंट ऑफ ब्लैक गन पाउडर इज ऑल एक्सेप्ट, सिंस यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया, तो चारकोल होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, लेड परऑक्साइड दोस्तों नहीं होता है, सल्फर पाउडर होता है, तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा गन पाउडर के बारे में जान लेते हैं। तो गन पाउडर क्या होता है, इट इज़ डिस्क्राइब बाय एफ जी एफ एफ जी एफ 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 जी एंड सो ऑन डिपेंडिंग ऑन द साइज एफ ए फाइननेस ऑफ द ग्रेन, द फाइनर एंड फास्टर बर्निंग ग्रेन हैव मोर नंबर ऑफ एफ। तो दोस्तों जो ब्लैक गन पाउडर होता है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए एक निमोनिक है, वो है PCS। तो दोस्तों एक PCS, ये एक निमोनिक, पीस हो गया पोटेशियम नाइट्रेट, सबसे ज़्यादा मात्रा में यही होता है, फिर होता है चारकोल 15% होता है, फिर होता है सल्फर, ही होता है 10%। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो एफ जी और एफ एफ जी था, एफ जी एफ एफ जी एफ 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 जी एंड सो ऑन, तो दोस्तों ये एफ का मतलब होता है फाइननेस और जी का मतलब होता है ग्रेन। तो दोस्तों जितना ज़्यादा एफ होगा उतना ही फाइन बारीक होता है गन पाउडर, और जितना ज़्यादा बारीक होगा दोस्तों उतना ही जल्दी से जलेगा वो। तो नंबर ऑफ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइननेस, और उतना ही ज़्यादा फिर वो जलेगा, हाई बर्निंग पावर। तो हाई पावर होता है। तो दोस्तों इसी साथ में हम देखते हैं कि स्मोकलेस गन पाउडर क्या क्या होते हैं। स्मोकलेस गन पाउडर होते हैं तो दोस्तों अब थोड़ा सा स्मोकलेस गन पाउडर के बारे में देख लेते हैं। तीन टाइप के होते हैं, सिंगल बेस, डबल बेस और ट्रिपल बेस। सिंगल बेस, डबल बेस और फिर आता है दोस्तों ट्रिपल बेस। तो दोस्तों देखते हैं इसके कंपोजिशन क्या क्या होते हैं। तो सिंगल बेस में होता है दोस्तों नाइट्रोसेलुलोज, दोस्तों जो डबल बेस होते हैं उसमें नाइट्रोसेलुलोज प्लस नाइट्रोग्लिसरीन दोनों होते हैं, प्लस नाइट्रो ग्लिसरीन होता है। और दोस्तों जो ट्रिपल बेस होता है उसके अंदर इन दोनों के साथ साथ नाइट्रो ग्वानिडीन भी होता है। तो दोस्तों इसी के साथ होता है यही स्मोकलेस गन पाउडर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एफ जी एफ एफ जी या फिर ट्रिपल एफ जी यूज टू डिस्क्राइब। तो दोस्तों ये क्या आता है गन पाउडर के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, प्राइमर नहीं, कार्ट्रिज नहीं, ब्लैक गन पाउडर ये होता है, वेड नहीं, तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये मैं इसके साथ साथ प्राइमर के बारे में भी बता देता हूँ। प्राइमर के कंटेंट क्या होते हैं, कंटेंट्स ऑफ प्राइमर। तो दोस्तों इसके लिए एक निमोनिक है, वो है ब्लास्ट, तो बी से हो गया बेरियम, एल से दोस्तों हो गया लेड, ए से हो गया एंटीमनी सल्फाइड, टी से दोस्तों हो गया टेट्राजीन। तो दोस्तों इसी साथ हम मैं परकशन कप के बारे में भी बता देता हूँ। तो जो परकशन कप होता है दोस्तों ये कॉपर और जिंक का बना हुआ होता है। तो दोस्तों फिर से बताता हूँ, जितने ज़्यादा एफ होंगे उतना ही ज़्यादा फाइन जो होगा ग्रेन,
गन पाउडर, और जितना ज़्यादा फाइन होगा उतना ही जल्दी और उतना ही तेज़ी से ये जलेगा, और जितना जल्दी से बने जलेगा उतना ही ज़्यादा दूर तक ये उतनी ही जल्दी बुलेट बाहर निकलेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिवेलिंग ऑफ इनर टेबल ऑफ स्कल इज फाउंड इन। तो दोस्तों जो बिवेलिंग होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो बिवेलिंग ऑफ इनर टेबल ऑफ स्कल इज फाउंड इन फायरआर्म एंट्री वुंड। तो दोस्तों फायरआर्म एंट्री वुंड के अंदर ये देखा जाता है, तो फायरआर्म एंट्री वुंड ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। एग्जिट वुंड के अंदर इनर टेबल की दोस्तों बात चल रही है, एग्जिट के नहीं, ड्रॉनी नहीं, एमएसआई नहीं। तो दोस्तों थोड़ा सा बिवेलिंग के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। बुलेट की जो वुंड है जब एंट्री जब वो करेगी, तो ये मान लीजिए दोस्तों स्कल है, यहाँ से दोस्तों बंदूक की गोली आई। तो दोस्तों आप जैसे जानते ही हैं कि ब्रेन के स्कल के अंदर दो टेबल होती हैं, इनर टेबल और आउटर टेबल। तो दोस्तों जब इनर टेबल के ऊपर अंदर आएगा तो बिवेल जो होगा वो ओपनिंग टाइप की होगी, यहाँ एंट्रेंस वुंड में। जैसे मान लीजिए ये बुलेट अंदर आया तो ये ऐसे इसको थोड़ा सा बड़ा करके रखेगी। तो दोस्तों इसी को ही बोला जाता है बिवेलिंग। तो दोस्तों फिर ये बुलेट अंदर आ गई, फिर ये बुलेट जब यहाँ से बाहर निकलेगी फिर से ये ऐसे ही ये बनाएगी, और ये फिर बुलेट आ गई बाहर। तो दोस्तों इसी को ही बोला जाता है बिवेलिंग। जैसे आप यहाँ पे देख लेते हैं बिवेल मार्जिन और बिवेल मार्जिन। तो दोस्तों ये मान लीजिए ये पूरा स्कल है, ये पूरा स्कल है, ये हो गया इसकी बाहर की टेबल और ये हो गया इसके अंदर की टेबल। तो एक बार मिटा देता हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी रहे। तो दोस्तों जब बुलेट यहाँ से स्ट्राइक की तो अंदर के इनर टेबल के अंदर इसने बिवेलिंग की, और जब ये बाहर निकली तो आउटर टेबल में इसने बिवेलिंग की। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बारी कि बिवेलिंग जब भी होगा तो एग्जिट पॉइंट के टाइम पे ही देखी जाएगी, चाहे वो एंट्री वुंड की इनर टेबल हो चाहे वो एग्जिट वुंड में आउटर टेबल हो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बिवेलिंग ऑलवेज हैपन एट एग्जिट पॉइंट। तो एंट्री वुंड बिवेलिंग देखी जाएगी इनर टेबल पे, तो जैसे मैंने बताया था इनर टेबल पे, और एग्जिट वुंड में जो बिवेलिंग होगी दोस्तों वो देखी जाएगी अकल सेट आउटर टेबल। तो दोस्तों एक बार फिर से बताता हूँ, ये हो गए इनर टेबल, ये हो गए आउटर टेबल। तो जब ये बुलेट आई तो ऐसे करके बिवेलिंग करेगा, और फिर जब बुलेट यहाँ से होके जब ये बाहर जाएगी ये, तो फिर से ये बिवेलिंग ऐसे शो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, इन टैंडम बुलेट द नंबर ऑफ बुलेट फायर इज। तो दोस्तों टैंडम बुलेट के अंदर कितनी बुलेट फायर होती हैं। तो दोस्तों इसके अंदर दो बुलेट फायर होती हैं, एक नहीं दो होती हैं, तीन नहीं चार नहीं, तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो टैंडम बुलेट होता है दोस्तों जब एक के पीछे एक दो बुलेट निकलती हैं, यानी कि पहली बुलेट जब फायर की तो किसी मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से जब पहली बुलेट नहीं निकल पाई तो वो अटक गई, तो जब दूसरी बार जब फायर किया जाएगा तो दूसरी बुलेट के साथ साथ पहली बुलेट भी बाहर आ जाएगी, तो उसी को दोस्तों टैंडम बुलेट बोला जाता है। तो द बुलेट फायर फ्रॉम अ गन इज नॉट रिलीज, इट इज इजेक्टेड आउट विद द सब्सिक्वेंट शॉट, इट इज नोन एज, इसी को दोस्तों बोला जाता है टैंडम बुलेट। तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर, ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी हो गया इसका करेक्ट आंसर।
तो दोस्तों थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कि जब पहली बार जब फायर किया तो किसी प्रॉब्लम की वजह से पहली बुलेट बाहर नहीं आई, बुलेट फेल्स टू एग्जिट मजल एंड। क्या होगा दोस्तों, जब दूसरी बार फायर करेंगे द सब्सिक्वेंट फायरिंग सेकेंड बुलेट इजेक्ट कैरिंग विद द फर्स्ट बुलेट। तो इसी को दोस्तों टेंडम बुलेट या फिर पिगी बैंक बुलेट का नाम दिया गया है। थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में थ्योरी जान लेते हैं। टेंडम बुलेट पिगी बैंक बुलेट एट टाइम मोर देन वन बुलेट मे बी फाउंड इन बॉडी दो देयर इज सिंगल एंट्री वुंड, दिस अकर्स इफ देयर इज डिफेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ फायरिंग और फॉल्टी एम्युनिशन। ऑन फायरिंग बुलेट फेल्स टू एग्जिट फ्रॉम मजल एंड एंड ऑन फायरिंग सेकेंड टाइम द सेकेंड बुलेट मे इजेक्ट फ्रॉम मजल एंड बट कैरिंग विद इट द फर्स्ट वन, दस बोथ बुलेट मे बी एंटर्ड थ्रू सेम एंट्री एंड वन अटैच टू अदर, दिस इज कॉल्ड टेंडम बुलेट या फिर पिगी बैंक बुलेट। तो दोस्तों यही मैंने बताया, डिफेक्टिव मैकेनिज्म की वजह से पहली बुलेट फेल करके एग्जिट करने में, तो जब दूसरी बार जब हम फायर करेंगे तो जो एंट्री वुंड जो होगा उसके अंदर दो दो बुलेट हमें अंदर दिखाई देगी। तो दोस्तों उसी का नाम होता है टेंडम बुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुलेट लीव्स अ विजिबल मार्क इन पाथ सो दैट अ पर्सन कैन सी। तो दोस्तों जब बुलेट को फायर किया गया तो उसके पीछे से कुछ गैसेस निकलते जिसकी वजह से पता कर पाएंगे कि बुलेट इस पाथ में इस डायरेक्शन में गई है, तो वो होती है दोस्तों विजिबल मार्क जो शो करेगा उसका दोस्तों नाम होता है ट्रेसर बुलेट। तो टेंडम बुलेट नहीं, ट्रेसर बुलेट इसका नाम है, बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। डमडम बुलेट नहीं, इंसेंट्री बुलेट नहीं, तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। ट्रेसर बुलेट क्या होता है, लीव्स अ ट्रेस और विजिबल मार्क इन पाथ और फ्लाइट सो दैट अ पर्सन या फिर गनर जो होगा कैन ऑब्जर्व द स्ट्राइक, कंसिस्ट ऑफ हार्ड स्टील कोर रिजेंबलिंग बॉल कवर्ड इन द मेटल एनवेलप बट द रेयर पोर्शन ऑफ कोर इज रिमूव एंड स्पेस फिल्ड विद द केमिकल मिक्सचर ऑफ बेरियम नाइट्रेट। तो दोस्तों जो पाथ जो विजिबल होता है वो किसकी वजह से विजिबल होता है, केमिकल का मिक्सचर होता है वो होता है बेरियम नाइट्रेट एंड पाउडर मैग्नीशियम विद स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट इज एडेड टू गिवन इट अ रेड कलरिंग, द मिक्सचर इज इग्नाइट बाय फ्लेम। तो दोस्तों और भी बुलेट का बारे में देख लेते हैं यहाँ पे, फिर आता है रिकोशेट बुलेट, फिर दोस्तों आता है रिकोशेट बुलेट। रिकोशेट बुलेट वो होती है दोस्तों जब किसी ऑब्जेक्ट से वो स्ट्राइक करके अपना पाथ को थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, ऑन विच बिफोर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट एम्स एट स्ट्राइक सम इंटरवीनिंग ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड देन आफ्टर रिकोशेटिंग रिबॉन्डिंग ब्लेंचिंग बोलते हैं फ्रॉम दिस हिट्स द ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों कहीं से टकरा के फिर ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हिट करती है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं यॉनिंग बुलेट। यॉनिंग बुलेट होता है इन विच ट्रेवल इन एन इनरेगुलर फैशन इंस्टेड ऑफ ट्रेवलिंग नोज ऑन एंड कॉज अ की होल एंट्री वुंड। यॉन मीन्स डेविएशन बिटवीन लॉन्ग एक्सेस ऑफ द बुलेट एंड द एक्सेस ऑफ द पाथ। तो दोस्तों जो यॉन होती है ये जैसे बुलेट जा रही तो अपने ही एक्सेस पे ऐसे करके ये आगे जाती है, इसी को बोलते हैं ये यॉनिंग। टम्बलिंग क्या होती है दोस्तों, टम्बलिंग होती है जब बुलेट ऐसे ऐसे गोल गोल घूम घूम के ऐसे बुलेट जाती है। फिर नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं डमडम बुलेट के बारे में। डमडम बुलेट क्या होता है दोस्तों, इट इज अ बुलेट विच इज ओपन एट बेस एंड द पॉइंट यानी कि नोज होती इज कवर्ड विद जैकेट सो एज टू फॉर्म हेलो एट द नोज। द पर्पज इज दैट व्हेन बुलेट स्ट्राइक अ बॉडी इट विल एक्सपेंड एंड प्रोड्यूस लार्ज होल। तो दोस्तों क्या होती है, क्या होता है ये जैसे बुलेट है तो दोस्तों ये जो बुलेट है जब ये किसी स्ट्राइक से जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी ये तो ऊपर से ये ऐसे खुल जाएगी, ये ऐसे ये खुल जाएगी। तो दोस्तों इसी की वजह से इसको बोला जाता है डमडम बुलेट, क्योंकि अंदर जब 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 जाती है तो स्ट्राइक करके ये ऊपर से ये फैल जाती है, जिससे क्या होगा ये ज़्यादा बड़ा होल क्रिएट करेगी और जितना बड़ा होल क्रिएट होगा उतनी ही ज़्यादा इंजरी होगी और जितनी ज़्यादा इंजरी होगी उतना ही ज़्यादा दुश्मन को नुकसान होगा।
और भी टाइप की बुलेट देख लेते हैं दोस्तों। एक होता है एक्सप्लोजिव बुलेट, ये वो बुलेट होती है जब अंदर जाके ये एक्सप्लोड करती है तो ये और भी ज़्यादा डैमेज कॉज करेगी। दीज आर द बुलेट्स कंटेनिंग एक्सप्लोजिव मटीरियल एंड इफ सच बुलेट एक्सप्लोड इट कॉज एक्सटेंसिव डैमेज। तो दोस्तों क्या होता है, जब बुलेट अंदर गई तो अंदर जाके ये एक बार एक्सप्लोड कर देगी, तो जब एक्सप्लोड होगी तो और ज़्यादा एक्सटेंसिव डैमेज क्रिएट करेगी। प्लास्टिक बुलेट क्या होता है दोस्तों, द बुलेट आर मेड अप ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, इट इज यूजली फायर्ड फ्रॉम स्मूथ बोर वेपन एंड यूज फॉर कंट्रोलिंग द रॉइड्स। दोस्तों क्या होता है, प्लास्टिक बुलेट इसे यूज की जाती है ताकि जो भीड़ जो रॉइड है जब जहाँ पे दंगे फसाद हो गए उसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों ये प्लास्टिक की बुलेट शूट की जाती है। सोवेनियर बुलेट क्या होता है दोस्तों, जब ये अंदर जब जाती है काफ़ी टाइम तक नहीं निकाला गया तो उसके ऊपर ये एक लेयर प्रोड्यूस कर देती है जिसकी वजह से लेड पॉइजनिंग का केस बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों, सोवेनियर बुलेट, अ बुलेट एंटर्ड इन बॉडी में लॉज इन द टिश्यू, इफ सच बुलेट इज नॉट रिमूव द बुलेट में रिमेन इन द बॉडी एंड गेट कवर्ड बाई एनकैप्सुलेशन ऑफ द टिश्यू। दोस्तों अगर मान लिया बुलेट अंदर गई और उसको नहीं बाहर निकाला गया तो उसके ऊपर एक कवर बन जाएगी, दस इट इज अ रिटेन्ड बुलेट इनसाइड द बॉडी, सच रिटेन्ड बुलेट इनसाइड बॉडी इज कॉल्ड ए सोवेनियर बुलेट। तो जो बुलेट अंदर रह गई है काफ़ी टाइम से उसी को सोवेनियर बुलेट बोला था, इसकी वजह से लेड पॉइजनिंग में अकर फ्रॉम सच बुलेट बट इज रेयर। दोस्तों अपने अंदर बॉडी में कोई भी बुलेट रखना नहीं चाहेगा, वो भी जब शूट करी गई है, तो अगर कोई बाय चांस नहीं निकाल पाया है तो उससे क्या होगा दोस्तों, लेड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। फ्रेंजिबल बुलेट क्या होता है दोस्तों, इट इज़ अ टाइप ऑफ बुलेट विच ऑन स्ट्राइकिंग द बॉडी ब्रेक इनटू मल्टीपल पीसेस। तो दोस्तों क्या होता है, जब ये किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो जो बुलेट होती है वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाती है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बुलेट सीधी नहीं आ रही है, योनिंग बुलेट अगर है तो वो ऑब्लिक ये ओवल शेप की एंट्री वुंड शो करेगा, लेकिन अगर दोस्तों परपेंडिकुलरली आ रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, सर्कुलर बनेगा एंट्री वुंड, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ऑब्लिक पाथ में आ रही है तो ओवल शेप का बनेगा। तो शेप ऑफ एंट्री वुंड डिपेंडिंग ऑन द बुलेट एंट्री, बुलेट एंटर्स परपेंडिकुलर वायर इन फिगर बी, बुलेट एंटर ऑब्लिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेपन एम्प्टी कार्ट्रिज केस इज इजेक्टेड आफ्टर फायरिंग। तो दोस्तों कौन से केस में आपने देखा होगा कि जो खाली जो कार्टूस है वो अपने आप बाहर आ जाती है। तो दोस्तों इसके लिए एक क्लासिकल एग्जांपल आपने देखा होगा, आपने जो जेम्स बॉन्ड वगैरह की जो मूवीज होती हैं आपने उसमें देखा होगा कि जब पिस्तौल से फायर करता है जेम्स बॉन्ड तो एक बुलेट गिरती है बाहर। तो ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो शॉटगन नहीं, रिवॉल्वर नहीं, पिस्तौल के अंदर होता है राइफल नहीं, तो बी हो गया इसका दोस्तों करेक्ट आंसर। तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ कि इन सब की फिगर्स दिखा देता हूँ मैं, चलिए दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है पिस्तौल, आपने देखा होगा दोस्तों जेम्स बॉन्ड वगैरह की मूवीज में ये सारी टाइप की बंदूकें होती हैं, तो जब फायर किया जाता है तो यहाँ से खाली गोली बाहर आ जाती है। तो एम्प्टी कार्ट्रिज केस इज इजेक्टेड आफ्टर फायरिंग। पिस्तौल इज अ राइफल हैंडगन विद शॉर्ट बैरल इन विच द राइफल कार्ट्रिज केस इज ऑटोमेटिकली इजेक्टेड एंड यूजली रिमेन एट सीन ऑफ क्राइम। राइफल शॉटगन बैरल हैंडगन, राइफल शॉट बैरल हैंडगन दो टाइप की होती है दोस्तों, एक होती है रिवॉल्वर। रिवॉल्वर दोस्तों आपने देखा होगा पुराने जमाने की जो क्लासिकल मूवीज होती हैं, जो शोले वगैरह की अगर क्लासिकल एग्जांपल हूँ तो उसके अंदर आपने ऐसी रिवॉल्वर देखी होगी, ये होती है रिवॉल्वर। ये रिवॉल्वर नाम इसलिए दिया गया है दोस्तों, जो इसका जो सिलेंडर होता है ये रिवॉल्व करता है जिसकी वजह से ये दूसरी गोली फिर तीसरी गोली चौथी गोली पांचवी गोली छठी गोली फिर शूट की जा सके। तो दोस्तों ये जो सिलेंडर होता है रिवॉल्व होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया रिवॉल्वर। तो रिवॉल्वर के अंदर भी गोलियां अपने आप डालनी पड़ती है और फिर खुद से बाहर निकालनी पड़ती है। लोडिंग ऑफ कार्ट्रिज इन द सिलेंडर, फायर्ड कार्ट्रिज केस रिक्वायर्ड टू बी रिमूव बाई हैंड।
पिस्तौल के अंदर क्या होता है दोस्तों, कार्टिलेज कंटेन्ड इन वर्टिकल मैगजीन हाउस एट द ग्रिप ऑफ द पिस्तौल दैट इज डायरेक्ट लोडिंग इन टू चेंबर फायर या फिर एम्प्टी कार्टिकेज इज ऑटोमेटिकली इजेक्टेड। तो ये दोस्तों रिवॉल्वर, ये दोस्तों शॉटगन। शॉटगन आपने देखा होगा पीछे से ऐसे करके उसके अंदर कार्ट्रेज डाला जाता है और फिर दोस्तों ये होती है मिलिट्री राइफल। आपने देखा होगा दोस्तों मिलिट्री राइफल के अंदर इस चीज को पीछे खींचा जाता है और जब पीछे खींचा जाता है तो एक फिर गोली बाहर आती है। आपने उरी मूवी के अंदर आपने देखा होगा कि जो स्नाइपर्स होते हैं उनके पास बड़ी बड़ी राइफल्स होती हैं, तो जब इसको पीछे खींचते तो यहाँ से गोली बाहर आ जाती है। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ राइफल फायरआर्म डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ बैरल, उसके हिसाब से क्या होती है दोस्तों, दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट बैरल और हैंड रेस्ट और हैंड आर्म। एग्जाम्पल्स आर पिस्तौल एंड रिवॉल्वर। रिवॉल्वर वही दोस्तों जो शोले मूवी के अंदर देखा गया है, जो सिलेंडर होता है 6 गोली भरी आती है एक एक करके। और पिस्तौल होती है दोस्तों जो आपने देखी होगी जेम्स बॉन्ड टाइप की मूवीज के अंदर वो पिस्तौल चलाते हैं ज़्यादा। फिर होता है दोस्तों लॉन्ग बैरल और शोल्डर रेस्ट, इसके अंदर दोस्तों मिलिट्री राइफल या फिर AK-47। तो आपने ये सब उरी मूवी के अंदर देखा होगा मिलिट्री राइफल। फिर दोस्तों अगर क्लासिफिकेशन की बात चली है तो डिपेंडिंग ऑन मजल वेलोसिटी, तो मजल की वेलोसिटी के बेस पे लो वेलोसिटी वो होती है जो 12 फीट पर सेकंड की स्पीड से बुलेट को बाहर निकाले। मीडियम वेलोसिटी वो होती है जो 1200 से लेके 2500 फीट पर सेकंड की स्पीड से वो वेलोसिटी हो। हाई वेलोसिटी वो होती है जो 3000 फीट पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करे, होती है हाई वेलोसिटी। डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिव एक्शन दैट इज इंस्टॉलेशन ऑफ द कार्ट्रिज इन टू चैम्बर ऑफ द फायरिंग, उसके बेस पे क्या होता है दोस्तों, स्लाइड एक्शन, बोल्ट एक्शन, लीवर एक्शन, सेमी ऑटोमेटिक या फिर ऑटोमेटिक। तो ये सारे क्लासिफिकेशन है राइफल फायर आर्म के। तो दोस्तों राइफलिंग जो होती है अंदर ग्रूव्स ऐसे बना दिए जाते हैं, इससे दोस्तों इसको स्पिनिंग मूवमेंट होती मिलती है और स्पिनिंग करने की वजह से क्या होता है दोस्तों, स्टेबिलिटी मिलती है। तो राइफलिंग गिव्स स्पिनिंग मूवमेंट टू बुलेट, स्पिनिंग मूवमेंट टू बुलेट इन इट्स लॉन्ग एक्सेस, स्पिनिंग कॉज गायरोस्कोपिक मूवमेंट टू बुलेट विच गिव्स अ स्टेडीनेस और स्टेबिलिटी टू बुलेट वाई ट्रेवलिंग इन एयर। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करती है एयर में। राइफलिंग इंक्रीज द पावर ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट, क्योंकि दोस्तों स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो जो है वो ज़्यादा दूर तक भी जा पाएगी। पेनिट्रेटिंग या फिर शेकिंग ऑफ बुलेट व्हेन ट्रेवलिंग इन एयर, तो दोस्तों प्रिवेंट करता है शेकिंग को वॉबलिंग को प्रिवेंट करेगा। तो दोस्तों एक तरीके से वही हो गया, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। इंक्रीज एक्यूरेसी ऑफ द टारगेट एम, तो सिंस दोस्तों स्टेबिलिटी अगर हो जाती है तो एक्यूरेट जाके वो लगेगी। हेल्प्स टू ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस एंड रेंज, तो दोस्तों स्टेबिलिटी अगर आ जाती है तो ये ज़्यादा दूर तक भी जा पाएगी। फिर दोस्तों देखते हैं शॉटगन। शॉटगन के अंदर जो बैरल होती है दोस्तों वो पूरी स्मूथ होती है, उसमें कोई भी ग्रूव या राइफलिंग नहीं होती है, वो स्मूथ होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द बैरल, इसके बेस पे होता है दोस्तों लॉन्ग बैरल, शॉर्ट बैरल। डिपेंडिंग ऑन लोडिंग ऑफ द एमिशन ऑफ द कार्ट्रिज, ये होता है दोस्तों मजल लोडिंग, एक होता है ब्रीच लोडिंग। डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ द बैरल, उसके बेस पे होता है दोस्तों सिंगल बैरल, डबल बैरल, मल्टीपल बैरल। डिपेंडिंग ऑन चोकिंग ऑफ द बैरल, तो दोस्तों क्या होता है जो बैरल होती है आगे से थोड़ा सा चोक कर दिया जाता है, इसी को दोस्तों बोला जाता है चोकिंग। तो दोस्तों होता है फुल चोकिंग, 3/4 चोकिंग, हाफ चोकिंग, क्वार्टर चोकिंग, नन चोकिंग। तो दोस्तों चोकिंग से क्या बेनिफिट मिलते हैं हमें, चोकिंग कीप्स द पैलेट और शॉर्ट कॉम्पैक्ट टुगेदर फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस ड्यूरिंग द ट्रैवल ऑफ द एग्जिटिंग फ्रॉम द मजल एंड। तो दोस्तों अगर चोकिंग होती है तो वो जो है डिस्पर्स दूर तक करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस तक जो उसके जो अंदर पैलेट्स होते हैं वो डिस्टेंस तक पास में रहते हैं, डिस्पर्स नहीं होते। चोकिंग रिड्यूस और प्रिवेंट्स द डिस्पर्शन ऑफ द पैलेट एंड एक्ट लाइक अ सिंगल बॉल, दस एक्सर्टिंग ग्रेट इम्पैक्ट ऑन विक्टिम।
तो दोस्तों जो पैलेट्स हैं वो एक क्लस्टर में रहते हैं, तो इससे क्या होगा दोस्तों ये डिस्पर्स ना करने की वजह से ग्रेट इम्पैक्ट करते हैं, ग्रेट इंजरी, ज़्यादा इंजरी कॉज करते हैं। कॉज चोकिंग कॉज मोमेंट्री ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पैलेट रिजल्टिंग इन इंक्रीज प्रेशर बिहाइंड द पैलेट एंड पैलेट एंड प्रोपेल पैलेट विद ग्रेट फोर्स। चोकिंग मेक वेपन मोर लीथल। चोकिंग नहीं होगी दोस्तों तो ये ज़्यादा डिस्पर्स करने लग जाएंगे, ज़्यादा डिस्पर्स करेंगे दोस्तों तो विक्टिम को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों ये हैं कुछ फीचर्स, एक्सीडेंटल इंजरी, सुसाइडल इंजरी और होमिसाइडल इंजरी। तो ये है दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, कंप्रेस एयर इज यूज टू फायर लेड स्लज इन। तो दोस्तों कंप्रेस एयर किसके अंदर यूज किया जाता है? ऑटोमेटिक पिस्टल नहीं, रिवॉल्वर के अंदर नहीं, एयर राइफल के अंदर दोस्तों कंप्रेस एयर का यूज किया जाता है, शॉर्ट गन नहीं। तो जो एयर राइफल होती हैं दोस्तों, एयर राइफल या फिर एयर पिस्तौल रिलीज शॉट और पैलेट विच आर प्रोपेल्ड बाय कंप्रेस्ड एयर या फिर गैस। सम वेपन यूज कार्टिलेज ऑफ लिक्विड CO2 एज द प्रोपेलेंट। दिस देयर इफेक्टिव किलिंग रेंज इज 30 yards। ये दोस्तों चूहे, गिलहरी, इन सब को मारने के काम आता है। तो दोस्तों ये होगी इसकी कार्टिलेज। इस कार्टिलेज के अंदर दोस्तों लिक्विड CO2 होती है एज अ प्रोपेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ बुलेट इज डिटरमाइंड बाई। तो दोस्तों ये होती है वेट ऑफ द बुलेट नहीं, शेप ऑफ बुलेट नहीं, साइज ऑफ द बुलेट नहीं, दोस्तों वेलोसिटी डिटरमाइन करती है डिस्ट्रक्टिव पावर को। तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये आपने पढ़ा होगा पहले, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो दोस्तों जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर होगी उस बुलेट के अंदर। तो दोस्तों इसी साथ आज का ये सेशन एंड करता हूँ। एंड करने से पहले, इट डजेंट मैटर हाउ मेनी रिसोर्सेज डू यू हैव, इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज देम इट विल बी नेवर बी एनफ। तो दोस्तों आपको अपने रिसोर्सेज यूज करने आने चाहिए। अब जैसे अगर मैं आपको अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म की बात कर दूँ तो ये हम आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रिसोर्सेज की तरह काम करता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाते हैं घर बैठे बैठे। उसके साथ साथ दोस्तों आप एजुकेटर के सामने MCQs की प्रैक्टिस भी करते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे इंटरेक्टिव पोल की सुविधा मिलती है। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे, और इससे क्या होगा दोस्तों आपको बस सिंपली क्लिक करना रहेगा जो करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आपने देखा, इससे आप क्या है घर के सेफ इन्वायरमेंट में रहते रहते सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप फॉलो कर रहे हैं, प्लस आपको कहीं गैदरिंग भी नहीं करनी पड़ रही है, कहीं ट्रैवलिंग भी नहीं करना पड़ रहा है, तो प्लस आपके MCQs की प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो दोस्तों भूलिएगा नहीं, हमारा जो पेज है LessonEPG, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते तो हमारे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है आपको आता रहेगा। दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। और दोस्तों भूलिएगा नहीं, मेरा जो कोड है वो है LIVDRM, अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों 24 मंथ के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं वो होते हैं 30,000 rupees, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVDRM तो ये आपको पड़ेगा 27,000 rupees का। अच्छे से मैं लिख देता हूँ इसको, तो ये आपको पड़ेगा दोस्तों 27,000 rupees का। तो दोस्तों 2 साल के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इससे दोस्तों होगा ये कि आप अपने NEET PG एग्ज़ाम के बाद भी आप अपने पढ़ाई के टच में रह सकते हैं, आपका जो फेवरेट या फिर आपका जो ड्रीम ब्रांच है आप उसके टच में भी रह सकते हैं, रिजल्ट के बाद भी, काउंसलिंग के बाद भी, एडमिशन से पहले तक आप अपने पढ़ाई के टच में हमेशा रह सकते हैं, आप अपनी ड्रीम ब्रांच के टच में भी रह सकते हैं। इससे दोस्तों होगा ये, जब आप कॉलेज में एंटर करेंगे तो आपके पास एकदम फ्रेश नॉलेज होगी। तो दोस्तों इस साथ आज का सेशन एंड करता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।